वेलकम बैक आई एम मोर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस एल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आप स्पोकन के लिए परेशान होते हो राइटिंग के लिए परेशान होते हो मैं आपको आज सीन्स और फॉर का वो गुण रहस्य दूंगा जिसके आधार पे आप तहलका मचा सकते हो अंग्रेजी में वो कॉन्सेप्ट वो जड़ जो हर दिन से आप तलाशते तो रहते थे किताब से किताब ढूंढते रहते थे कहीं नहीं मिलता था बस भटकते रहते थे यहां गया वो कोचिंग गया उसका कॉन्सेप्ट उसका कॉन्सेप्ट कहीं पे रियल कॉन्सेप्ट नहीं मिला आज मैं आपको सीन्स और फॉर का वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी पानी की तरह बोल पाओगे अंग्रेजी को आसानी से सोच पाओगे आसानी से लिख पाओगे बस एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को कॉपी कलम निकाल करके बस नोट डाउन कर लो सारे मेथड को नोट डाउन कर लो सारे कॉन्सेप्ट को लिख लो आज के बाद मत कहना कि सीन्स और फॉर नहीं समझ में आया सर दुनिया का कोई किताब हो सब छोड़ दो दुनिया का कोई महापुरुष हो सब छोड़ दो बस इसको कॉन्सेप्ट को मैं जो दे रहा हूं, और फॉर बस सीने से लगा लो और जैसे पढ़ाता हूं वैसे आत्मसात कर लो अंग्रेजी बोलना और लिखना और एग्जाम का क्वेश्चन बनाना आसान ना हो जाए तो आप मुझे बताना कि हां सर आसान नहीं हुआ इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि सर और बेहतर क्या हो सकता था और कमेंट करना कि इसके अलावा और किस पे तुम कंप्लीट स्टडी चाहते हो तो आज मैं सिंस और फॉर का कंप्लीट केस स्टडी बनाया हूं आपके लिए इसकी आज मैं धज्जियां उड़ाने वाला हूं कि सिंस और फॉर लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा एक एक पॉइंट सिंस का कितना यूज हो सकता है फॉर के कितने तरह से यूज कर सकते हैं किस किस टेंस प्रयोग होता है कहाँ कहां, कहां प्रयोग होता है आज हर चीज पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कॉपी कलम निकाल के आज देखने के लिए नहीं आज मैं पढ़ाने के लिए आया हूं आज मैं आपको देखने नहीं दूंगा आप कॉपी कलम निकालो बस जग जाओ और जग करके आप मेरे साथ बैठ जाओ और बैठ उठो बैठ जाओ कॉपी क्लब निकाल करके आज मैं सीधा सिखा दूंगा आज सिखा के एग्जाम्पल हजार दूंगा पेन तैयार रखना बहुत स्पीड में लिखना है मैं भी आपके साथ तेजी से काम करूंगा आप भी तेजी में काम करो स्पेलिंग तक बोल दूंगा बस बैठ करके और और आज आपके साथ तहलका मचने वाला है एक तूफानी क्लास में देने जा रहा हूं फॉर बिल्कुल बच्चों की तरह पहले काम करते हैं सीन्स और फॉर का यूज करते क्या है बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि सीन्स और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं सीन्स का प्रयोग यहां करते हैं वहां करते हैं सीन्स और फॉर पढ़ते आए हैं क्या उस प्रयोग पे काम करें हर एक प्रयोग क्या इसका प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है क्या इसका प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है सिंस और फॉर का रियल मीनिंग क्या होता है एक लड़का मेरे पास आया उसने संडेस पूछा कि उसके दादाजी 1995 में मरे थे उसके दादाजी 1995 में मरे थे टीचर ने पढ़ा दिया किताब लिख दिया कि जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो सिंस का प्रयोग करना जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम और सीन्स का प्रयोग करना वो लड़का बना दिया उसके दादाजी पंचानवे मरे थे सर पंचानवे तो पॉइंट ऑफ टाइम है ना सर लगा दिया।, लगा दिया क्योंकि उन्नीस सौ पंचानवे बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है उसने रिज बना दिया हिज फादर उसने पढ़ा था कि सीन्स और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन में करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन भी फोर अदर वर्ड और इसके साथ हम लोग सीन्स या फॉर लगाते हैं सीन्स या फॉर लगाते हैं प्लस टाइम लगाते हैं तो लड़के ने सोचा कि हैज बीन प्लस प्लस फॉर टाइम अब लड़के ने बना दिया हिज फादर हैज बीन हैज बिन डाइंगी नाइनटी फाइव अब जब मुझे सोच कर बताओ कि उसके दादाजी उन्नीस सौ पंचानवे मरना शुरू हुआ क्या आज तक वो मरते ही आ रहे हैं समझ पा रहे हो तो सीन्स का प्रयोग करते कहां है पहले इसको पढ़ना है हमने गलत पढ़ लिया बचपन से गलत कॉन्सेप्ट ले लिया एग्जाम में क्वेश्चन समझ लिया उसके दादाजी उन्नीस सौ पंचानवे में मरे थे या मरे हैं ये जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं इसको पहले समझना है कि सेंस का प्रयोग करते कहां है तो पहला कॉन्सेप्ट गलत कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं एक गलत कॉन्सेप्ट है सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं करते फॉर का प्रयोग लोगों ने पढ़ लिया पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं कॉन्सेप्ट गलत सबसे पहले जानते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग करते कहा है और तब जानने का प्रयास करते हैं मैं इस कॉन्सेप्ट को मिटा रहा हूं सिंस और फॉर अब लिख लिया है सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग करते कहा है सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक फोटो बना रहा हूं एक एक कॉन्सेप्ट देखिए आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ना मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा करूंगा घबराना मत डरना मत आज आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ चाहे वीडियो 10 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का हो चाहे 25 मिनट का हो आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो अब देखते हैं कौर के यह हमने एक फ्रीक्वेंसी लिखा मान लेते हैं कि क्लास आपका अभी जितने बजे आप देख रहे हो मान लो आप वीडियो देख रहे हो रात में आठ बजे रात में आठ बजे देख रहे हो तो वीडियो तुम्हारा रात में आठ बजे शुरू हुआ तो एट पी में क्लास तुम्हारा शुरू हो गया राइट हमने तुम्हारा क्लास रात के आठ बजे क्लास तुम्हारा शुरू किया देखो और बड़े लिखता हूँ तुम तो सुनाने के लिए हमने क्लास तुम्हारा एट पी में शुरू किया और क्लास तुम्हारा हमने एक ग्यारह पी में समाप्त कर दिया बोलो तुम्हारा क्लास कितने देर का था बेटा तो आठ और तीन ग्यारह यानी हमने तीन घंटे का क्लास आपके साथ रखा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अब ध्यान दो ये जो हमने क्लास रखा आठ बजे बोलो आठ एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं है ना एग्जैक्ट टाइम लेकिन ध्यान देना आठ बजे से क्लास चल रहा है और क्लास कितनी देर चला है तीन घंटा और अभी भी क्लास चल रहा है तो आथ, जब आप देख रहे हो मान लो देखना शुरू किया आठ बजे नौ बजे तो आप कंटिन्यू क्लास चल रहा है आप लाइव देख रहे हो ना आप मेरे साथ जुड़े हो ना तो हमने आठ बजे से क्लास शुरू किया कंटिन्यू क्लास चल रहा है सॉरी तो हमने <coughs> तो कहा कि यहां पे काम आठ बजे से यानी हमने कहा कि तब तब मतलब कितना आठ बजे तब से लेकर तब से लेकर के अब तक तब से लेकर अब तक अब देखो काम कब शुरू हुआ आठ बजे शुरू कब हुआ आठ बजे तब तब क्या हो गया इस तब को बोलते हैं पॉइंट लेकिन पॉइंट से लेकर पॉइंट से लेकर अब तक पॉइंट लेकर अब तक अगर तब से लेकर अब तक और पॉइंट्स लेकर अब तक अब तक का बोध हो तब तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं बच्चे क्या प्रयोग करते हैं सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम और तब का मतलब क्या होता है पॉइंट का मतलब क्या होता है पास्ट यानी पास्ट और पास्ट पॉइंट यानी तब से लेकर अब तक का मतलब हुआ पास्ट से लेकर के अब तक और पास्ट पॉइंट्स लेकर के अब तक यानी हमने एक पॉइंट दिया कि मैं दिल्ली में उन्नीस से लेकर के अब तक रह रहा हूं ऐसे के साथ सीन्स का प्रयोग करेंगे ना कि हमने कहा उसके दादाजी पंचानवे मरे थे तो उसके दादाजी उन्नीस सौ मरे थे तो क्या पंचानवे से लेकर के अब तक मरते ही आ रहे हैं क्या नहीं ना वो पॉइंट नहीं था वो टाइम था जो फिनिश था पॉइंट था पास्ट था फिनिश था ऐसे को हम सिंपल पास्ट कहते क्या कहते हैं बोलो क्या कहते हैं सिंपल पास्ट क्यों भाई सिंपल पास्ट का मतलब होता है फिनिश एक्शन हम बोलेंगे हिज फादर डाइड इन 1995 हिज ग्रैंड फादर डायड इन 1995 क्यों क्योंकि सिंपल पास्ट था पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जिस सेंटेंस में टाइम का प्रयोग कर दिया जाए उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं, और जिस में तब से अब तक काम को कितना ठिकाना नहीं है आज मैं सिखा के छोड़ूंगा आपको बोलने नहीं आता आप मेरा स्टूडेंट हो बोलना लिखना सब आएगा और आ जाएगा इसी वीडियो में आएगा और सिंस और फॉल्स लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा हमने कहा कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं एग्जाम्पल दीजिए सर मैंने कहा मैं तुम्हें आठ बजे से पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें आठ बजे से पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस एट पीएम आठ बजे से पढ़ा रहा हूं सिंस एट पीएम मैं दिल्ली में उन्नीस सौ पंचानवे से रह रहा हूं मैं दिल्ली में दो हजार दस से रह रहा हूं मैं दिल्ली में 2011 से रह रहा हूं बोलो 2010 से पॉइंट हुआ ना तब से लेकर अब तक रह रहा हूं कंटीन्यूअस टेंस नहीं आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी सिंस 1980 सिंस 2011 तो आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो सिंस का प्रयोग Point of time का मतलब होता है ए एम पी एम जहां भी एम पी एम आएगा सिंस लगा देना जहां भी ओ क्लॉक जहां, जहां आ जाए सिंस लगा देना सिंस का प्रयोग करना नेम ऑफ डेज नेम ऑफ मंथ नेम ऑफ इन नो फेस्टिवल्स नेम ऑफ सीजन सबके साथ सिंस लगा देना बस शर्त यह है तब से लेकर अब तक मैं दुर्गा पूजा दिल्ली में हूं महात्मा गांधी बचपन से ईमानदार थे महात्मा गांधी हैड बीन ऑनेस्ट हैड बीन जेंटल सिंस चाइल्डहुड बचपन से तो सीस का प्रयोग वहीं करेंगे जहां तब से लेकर के अब तक का सेंस होगा यहां तक बच्चे समझ में आया सीस का प्रयोग तो सीस का क्या कहेंगे पास्ट पॉइंट से लेकर के अब तक हम सिंस का प्रयोग करेंगे थे थे थे? का एक था आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक एग्जाम्पल में लिख के देता हूं ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर नहीं आया समझ में देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं आई बीन लिविंग इन Delhi, since January. I have been living in Delhi since January। तो हमने कहा इसका प्रयोग किया लेकिन लिख लो इस चीज को सीन्स का प्रयोग चार टेंस में करते हैं लिख लो पहला प्रेजेंट परफेक्ट ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्ट्रीवर्स दूसरा लिखो पहला प्रेजेंट परफेक्ट दूसरा प्रेजेंट कॉन्ट्रीवर्स तीसरा तीसरा पास्ट परफेक्ट पास और चौथा पास्ट परफेक्ट Continuous, इस चार टेंस में हम चारींस का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट भी सीन्स का प्रयोग कर सकते हैं अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे कर सकते हैं ताकि आपका आइडिया और क्लियर हो जाए जैसे हमने कहा कि मनोज मनोज चार दिन से बीमार है तो मनोज चार दिन ना ने हम एग्जाम्पल दिया हमने कहा मनोज हैज अब ध्यान देना के बाद भीतरी चाहिए तो है मनोज हैज बीन बीन यहाँ पे क्या कर रहा है मनोज हैज बीन इल ये क्या है बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा मत सोचे ना उल्टा पुल्टा कि कोई तुम्हें बिन दिखते दे प्रेजेंट है अरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्ट्रीवर्स का मतलब होता है भैरु का फोर्थ फॉर्म ये भी थ्री हैज के बाद बिन का मतलब हो ना बीमार है बीमार है जनवरी यह वी थ्री है बिन मतलब होना बी का फॉर्म है यह मत मतलब, चूंकि इल क्या है एडजेक्टिव है यहां पे इलिंग नहीं होता ना इलिंग नहीं होता तो इलिंग नहीं होता इसलिए हम लोग इल का प्रयोग किए हैं तो इल हो गया एडजेक्टिव इल क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया बात समझिए कॉन्सेप्ट को और बीन यहां पे क्या काम कर रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म काम कर रहा है तो बोलो प्रेजेंट परफेक्टेंस हुआ ना अब तुम किसी से पूछेगा कि सर बीन तो उन्हें कहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है तो बीन कॉन्टिन्यूस तब आता है जब मीनिंगलेस होता है जैसे मनोज हैज बिन लिविंग अगर इल का इलिंग होता तब नहीं होता मीनिंगलेस होता यहां तो होना का बोध हो रहा है तो भीतरी है गलत गलत कॉन्सेप्ट नहीं मनोज हैज प्रेजेंट परफेक्ट एंसर जहाँ दिक्कत हो तो दिल्ली आ जाओ अंग्रेजी सिखा दूंगा बढ़िया से यहां तो कोई दिक्कत अगला कॉन्सेप्ट देखो अगला कॉन्सेप्ट समझ प्रयास करो बच्चे अब हमने कहा कि यहां तक समझ में आ गया सिंस दूसरा कॉन्सेप्ट देखो यहीं पे और वो कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करो बच्चे कि और कॉन्सेप्ट क्या कह सकता है ये तीन घंटा है मुझे ये बताओ कि तीन घंटा पॉइंट है कि पीरियड है पीरियड है ना तो इसे कहते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं लेकिन ध्यान देना ये फॉर प्रियोग नहीं आता ये तब आता है कब सर तो इसका हिंदी होता है से लेकर अब तक से लेकर अब तक यानी कि से का मतलब हुआ से लेकर अब तक यानी काम से का मतलब क्या हुआ से का मतलब हो गया पास्ट पास्ट से लेकर के अब तक यानी काम शुरू हुआ पास्ट में और अब तक काम चल रहा है जैसे हमने कहा कि मैं दिल्ली में दस दिन से रह रहा हूं मैं तुम्हें दस दिन से जानता हूं दस दिन से जानता हूं इस को आज पूरे हिंदुस्तान में फैला दो मैं तुम्हें दस दिन से जानता हूं वो बनाएगा पता है क्या अंग्रेजी वो बोलेगा आई नो यू फॉर टेन डेज आप भी यही सोच रहे हो ना देखो मैं लिख रहा हूं हिंदी ये पहले समझ लो इसको पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं फॉर फॉर का मतलब क्या To present, उस पीरियड के लिए फॉर लगाएंगे फॉर का बहुत सारा यूज है अभी एक पढ़ा रहा हूं आगे और पढ़ाऊंगा ध्यान रखो यहां पर अब मैं यहां पर एग्जाम्पल देख रहा हूं हमने सेंटेंस दिया कि मैं तुम्हें दस दिन से जानता हूं मैं तुम्हें दस दिन से जानता हूं बच्चे ध्यान देना मैं तुम्हें दस दिन से जानता हूं जिसके अंत में ता है ती है ते है सिंपल टेंस कहलाता है गलत गलत अंग्रेजी बना दिया आई नो यू फॉर टेन डेज आई नो यू फॉर टेन डेज बट वन मोर थिंग मेरे दोस्त मेरे भाई कलम रोको अब मेरी बात याद रखो मैं तुम्हें दस दिन से जानता हूं बोलो काम शुरू कब हुआ आज अभी नहीं ना दस दिन पहले काम शुरू हुआ दस दिन पहले यानी जानने का काम शुरू कब हुआ दस दिन पहले आज भूल गया क्या आज भूल गया नहीं ना काम दस दिन पहले से जान रहा हूं आज भी जान रहा हूं आगे भी जानता रहूंगा द वर्क स्टार्ट इन द पास्ट स्टिल कॉन्टिन्यूअस आज भी काम चल रहा है तो बोलो यहां फोर आया कि नहीं आएगा आएगा ना हे मैं आपसे बात कर रहा हूं फॉर आएगा कि नहीं आएगा फोर आ गया सर तो उस फॉर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं करते क्यों सर क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है काम शुरू हुआ पास्ट में और इसके लिए चार टेंस बचा है एक जितना भी परफेक्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो यह सेंटेंस तुम्हारा गलत हो गया गलत हो गया काट दो दुनिया का कोई व्यक्ति हो गलत नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट कोई रूल नहीं होता कि फॉर का प्रयोग यहां करते हैं यही कॉन्सेप्ट है अगर तूने बना दिया दस जानता हूं आई हैव बीन नोइंग यू फॉर टेन डेज क्या श्रेय सही होगा तो सेंटेंस सही होना चाहिए लेकिन नो no के साथ आईएनजी नहीं आता so सो गलत करना पड़ेगा सेंटेंस होना चाहिए था काम दस दिन पहले शुरू हुआ आज भी चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्ट्र होना चाहिए था लेकिन यह भी नहीं होगा क्योंकि नो का नो ही नहीं होता यह तुम्हें कॉन्ट्रीन्यूस में पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में दूंगा अगला देखो हमने कहा आई हैव आई हैव अभी कहा था ना परफेक्ट फॉर पर आता है तो आई हैव नोन फॉर टेन डेज और यही वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा कहोगे क्यों सर अब जो लड़का हिंदी मीडियम का है जो बिहार यूपी का है जिसको मास्टर ने पढ़ा दिया जिसके अंदर चुका है चुकी है परफेक्टेंस अब वो हिंदी निकालेगा आई हैव नोन यू फॉर टेन डेज मैं तुम्हें दस दिन से जान चुका चुका वो चुका चुकी में परेशान दस दिन से जान चुका दस दिन से जाना अरे नहीं ऐसे अंग्रेजी नहीं पढ़ते ना अरे बोलो ना ऐसे अंग्रेजी नहीं पर सुन रहा है ना तू मेरी बात सुन रहा है ना तो ऐसे नहीं, नहीं बोलते आई मतलब है जो काम शुरू हुआ पास्ट में अब तक चल रहा है इसका हिंदी निकलेगा मैं तुम्हें दस दिन से जान रहा हूं मैं तुम्हें दस दिन से जानता हूं मैं तुमसे दस दिन से लेकर अब तक जान रहा हूं ये ताती हो चाहे ना हो बनेगा अंग्रेजी ऐसे ही यहां हो चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड पर हो, हो, हो हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ो इससे बेहतर अंग्रेजी कहीं नहीं मिलेगा डिलीट कर दूंगा वीडियो में इससे बेहतर संभव नहीं है इसी बात को ध्यान दो और कॉन्सेप्ट ध्यान दो तो आई no है इसी को समझो सिनातान के रहो ये अंग्रेजी है समझाता गया तो फॉर का समझाया मतलब पास्ट और फॉर मतलब पास लेकिन वह एक्शन जो लेकर के अब तक चल रहा है अगला कॉन्सेप्ट में सीन्स कहीं पे देता हूं समझने का प्रयास करें मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट देखिए आप गौर से हमने यहां पे बच्चा कॉन्सेप्ट दिया कि सीन्स का जो यूज है समझना बढ़िया से आज मैं आपके साथ उस रहस्य पे बात कर रहा हूं जो अंग्रेजी का जड़ है किसी को नहीं देता मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो का आग की तरह हर बच्चे को मिलना चाहिए और ये आपका कर्म है मदद करिए पूरे हिंदुस्तान को आपकी मदद की जरूरत है देखिए यहां पे सीन्स के लिए तीन प्रयोग देखिए गौर से सीन्स की बात करा सीन्स का पहला यूज देखा आपने कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हमने कहा कि तब से लेकर अब तक मैं जो बोल रहा हूं ध्यान देना राइटिंग में आप खुद मैं बोलता रहा लिखते रहना पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम तब से लेकर अब तक का दूसरा ही होता है जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं अब प्रश्न उठता है कि सर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में सीन्स लगाते हैं यहां पे सर सीस क्या है तो ध्यान देना यहां पे सीन्स प्रेपोजिशन का काम कर रहा है कैसा काम कर रहा है बोलो प्रेपोजिशन का काम कर रहा बोलो अरे बोलो क्या काम कर रहा है प्रेपोजिशन का तो यहाँ पे जो सीन्स है वो प्रेपोजिशन काम कर रहा है मेरे साथ लाइव जुड़े हो ना जुड़े रहो अब देखो अगला वर्ड है कंजंक्शन सीन्स का हिंदी होता है कंजंक्शन यहाँ पे हिंदी होता है चूंकि क्या हिंदी होता है चूंकि चूंकि के लिए सीन्स का प्रयोग करते हैं जैसे हमने कहा सीन्स ही इज इल चूंकि वह बीमार है ही कांट अटेंड द क्लास सीन्स इज इल सो ही कांट can't attend the class attend the class हमने कहा सिंस इज इल चूंकी वह बीमार है ही कांट अटेंड द क्लास इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता मेरी बात समझ में आ रही बच्चे तो यहां पे कांसेप्ट दिया हमने कि चूंकी वह बीमार है इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता और तीसरा जो यूज बच्चे वो ध्यान दीजिए उसको कहते हैं जो थर्ड यूज है कु, कु, सिंस का उसे हम कहते हैं सिंस में तीसरा यूज है जिसका यूज करते हैं हम लोग कंजंक्शन ऑफ टाइम कंजंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे सिंस का हिंदी होता है जब से अब ध्यान देना अगर कॉपी कलम रखे हो तो लिख लो कि सिंस का प्रयोग यदि कंजंक्शन ऑफ टाइम लिखो लिखो यदि सिंस का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम में किया जाए तो इसका प्रयोग सिंपल पास्ट में करते हैं और आने वाला क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट का होता है जो हमने कहा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमने कहा कि यदि सिंस का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम में किया जाए तो इसका प्रयोग सिंपल पास्ट में करते हैं बोलो मेरे बच्चे सिंस का प्रयोग सिंपल पास्ट का मतलब बोलो भी टू होता है क्य? वो भी टू का मतलब सिंपल पास्ट होता है ना तो प्लस भी टू प्लस अदरवर्ड कॉमा लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज है इसको तुम आगे पीछे भी कर सकते हो जैसे सर हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव थ्री प्लस अदरवर्ड सींस लगाया सेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदरवर्ड मुझे बच्चों बताओ कि सेंस का प्रयोग हमने सिंपल पास्ट में किया कि नहीं किया आने वाला लड़का आने वाला टीचर आने वाला लोग आने वाले किताब सोचते हैं कि सेंस का प्रयोग सिंपल पास्ट में कर दिया तो यहां पे वो है जब की जगह हैड लगा देते हैं अरे ना ऐसे मत करना हैड मत लगाना क्योंकि इसके बाद सिंपल पास्ट नहीं ये सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का स्पेशल संयोग है ये स्पेशल रूल है यहाँ पे सेंस का हिंदी होता है जब से क्या होता है जब से बोलते हो ना जब से वह गया है मेरा मन नहीं लगता है जब से वो आई ज्वाइन किया है मुझसे नहीं मिला है आप एग्जाम्पल लो ना हमने यहां पर आप एग्जाम्पल आपके लिए दिया कि हमने कहा आई हैवन सीन हिम आई हैवेंट सीन हिम सीन्स ही लेफ्ट दिल्ली सीन सी I haven't seen him. जब दिल्ली से बात दिल्ली छोड़ा है आई मैं उसे नहीं देखा हूँ, मैं उसे नहीं मिला हूँ। ये एक यूज है जब आप डिटेल अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। इससे बहुत ज्यादा दिमाग आप खुलेगा ये सीस का एक यूज है अगला देखिए कॉन्सेप्ट इसका फोर का फटाफट कॉपी लिखिए स्क्रीन लीजिए अब देखिए फोर का बच्चे फोर का यूज देखिए फटाफट क्योंकि तो स्लो काम करूंगा तो दो दिन लगे सिखाने में आपको मैं जल्दी से जल्दी सिखाना चाहता हूं ना फटाफट सीखो फॉर का प्रयोग देखो तीन तरह से करते हैं पढ़ो ऐसे जैसे ज्वालामुखी की तरह आग की तरह पर फैलो तब आपका अंग्रेजी में तूफान मचेगा फॉर का प्रयोग दो तरह से करते हैं फॉर का एक प्रयोग देखा से लेकर अब तक इसको बोलते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम राइट right, बच्चे जैसे हमने कहा कि आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर टेन ईयर्स यू आर यू हैव बिन रीडिंग इंग्लिश फॉर टू ईयर्स राइट तो यहाँ हमने से लेकर अब तक का बोध कराया दूसरा फोर जो होता है इस केस में हम लोग परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो अगर देखो फॉर का प्रयोग फॉर का प्रयोग तक के लिए करते हैं और फॉर का नेक्स्ट यूज है वो हम के लिए के लिए करते हैं राइट right? अब इस केस में फॉर का प्रयोग तक या के लिए जब करते हो तो आप तीनों टेंस का प्रयोग कर सकते हो चाहे आप प्रेजेंट की बात करो चाहे आप पास्ट की बात करो चाहे आप फ्यूचर की बात करो आप किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हो मैं आपको एक बात बता दूं मेरे बच्चे सबसे पहले आप दिल्ली दूर नहीं है अगर आप दिल्ली आना चाहते हो एक डिटेल इंग्लिश पढ़ना चाहते हो पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना चाहते हो तो दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली चलो का नारा लगाओ और दिल्ली मुखर्जी नगर में धर्मेंद्र सत्यार हैं तुम्हें पर्सनली गाइड करने के लिए मैं उंगली पकड़ के सिखाऊंगा लेकिन अंग्रेजी सिखा कर छोड़ूंगा क्योंकि तो रूट पे काम करूंगा फ्रूट पे नहीं जब रूट पे काम करूंगा तो अंग्रेजी तुमको आ जाएगा और अंग्रेजी बोलना हो चाहे लिखना हो चाहे कोई भी क्रांति फैलानी हो मैं तुम्हें सिखाकर छोड़ूंगा इसके साथ साथ घर बैठे पढ़ना चाहते हाउस वाइफ हो नहीं आ सकते ऐप पे देखो ऐप पे पढ़ सकते हो आने वाले बैचेज का सूचना मैं इसमें दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। कब नया बैच है पता करो फोन करो मुझे व्हाट्सअप करो मुझे कमेंट करो मुझे और हर चीज को देखने का प्रयास करो हर चीज तुम्हें डिटेल और विस्तृत मिलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ सिखाकर छोड़ूंगा अब देखो हमने क्या कहा फॉर फोर तक के लिए करते हैं और के लिए तक के लिए करते हैं ये दोनों यूज फॉर का होता है यहां तक आप काम करो और काम करके काम करके प्रयास करो तक के लिए कहा करेंगे फ्यूचर में कर सकते हो पास्ट में कर सकते हो आप बोलते हो आई विल बी देयर फॉर नेक्स्ट टू डेज आई विल बी देयर फॉर नेक्स्ट टू डेज अगले दो दिन तक मैं वहां रहूंगा आई विल बी देयर फॉर नेक्स्ट टू डेज आप बोल सकते हो एग्जाम्पल फ्यूचर के लिए भी आई विल बी देयर फॉर नेक्स्ट आई विल बी देयर फॉर नेक्स्ट टू डेज नेक्स्ट टू डेज ठीक है तो इस तरह से आप इसका प्रो कर सकते हो इसमें डिटेल काम करने के लिए पढ़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आराम से आइए जिस बैच में चाहें उस बैच में आइए जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए धर्मेंद्र सर आपके लिए थैंक यू वेरी मच